अकोटा के नामचीन बुटलेगर योगेश पाटिल का लाखों कीमत का शराब का मुद्दामाल स्टेट विजिलेंस द्वारा पकड़े जाते हुए डीजीपी द्वारा गोत्री पुलिस स्टेशन के पीए तथा पीएसआई को सस्पेंड किया गया। अकोटा हाउसिंग बोर्ड के मकान से नए मकान के पास की गली में तथा वान से स्टेट मॉनिटरिंग सेल यानी कि स्टेट विजिलेंस द्वारा नामचीन बुटलेगर वैसे योगेश पाटिल ने छुपा कर रखा वैसा 2,68,000 कीमत का शराब का मुद्दामाल पकड़ा गया, जिसमें पुलिस ने शराब के साथ 4,77,000 रुपए का मुद्दामाल जब्त किया था। स्टेट विजिलेंस द्वारा रविवार दोपहर मिली खबर के आधार पर अकोटा हाउसिंग बोर्ड के मकान में बुटलेगर योगेश पाटिल का शराब का जत्था जब्त करते हुए पुलिस ने स्थल से जितेंद्र पंडित राम पाटिल जो योगेश पाटिल का भाई है तथा अनिल उत्तिरकर की गिरफ्तारी की गई थी। जो शराब का जत्था योगेश पाटिल का होने का और नामचीन बुटलेगर लालू सिंधी के पास से मंगवाया होने की अपराधियों ने कबूलात की थी। तो वहीं स्टेट विजिलेंस की जांच के दौरान पुलिस के साथ शराब की लेन देन और बिक्री के मुद्दे कॉल रिकॉर्ड भी पाए गए हैं। तो वहीं विस्तार में भारी मात्रा में शराब पकड़े जाने में गोत्री पुलिस स्टेशन के पीआई तथा पीएसआई की गंभीर लापरवाही बाहर आते हुए डीजीपी आशीष भाटिया द्वारा पीआई एबी गोहिल और पीएसआई एचजी गोहिल को सस्पेंड किया गया है। गोत्री पुलिस स्टेशन के पीआई तथा पीएसआई को सस्पेंड करते हुए पुलिस विभाग में हलचल मची है।